तो इधर उधर की न बात कर, ये आप बता भी इधर देख कर बात कीजिए, उधर मत देखिए। मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नज़र हटा लो। जी नहीं, ये नज़र तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। लोकसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने संसद की अध्यक्षता कर रही बीजेपी सांसद रमा देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बात करते हो अध्यक्ष जी, आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर, आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है। आजम खान की टिप्पणी के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। अब रमा देवी ने आजम खान से माफी मांगने की मांग की है। सपा सांसद आजम खान की टिप्पणी पर रमा देवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, आजम खान ने कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की। हमें पता है उन्होंने जयाप्रदा को लेकर क्या कहा था। उनको लोकसभा में रहने का कोई हक नहीं है। सांसद ने आगे कहा, मैं स्पीकर से उनको बाहर करने की मांग करूंगी। आजम खान को माफी मांगनी चाहिए। बता दे, लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान सपा सांसद आजम खान की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया। आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर तू इधर उधर की ना बात कर से की, लेकिन इसके बाद जो आजम खान ने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हंगामा शुरू हो गया। ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, उधर मत देखिए। मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नज़र हटा लो। नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो आजम खान ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो सदन की कार्यवाही के लिए गलत हो तो वो इस्तीफा के लिए तैयार है। इसके बाद आजम खान सदन छोड़कर चले गए, लेकिन रमा देवी ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। वो आजम खान को नहीं छोड़ने वाली है। बहरहाल आजम खान के इस बयान पर महिला आयोग ने भी आपत्ति जताई है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आजम खान के बयान को शर्मनाक बयान बताते हुए कहा, आजम खान ये बार बार कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अयोग्य करार देना चाहिए। संसद में रमा देवी पर दिया गया बयान आपत्तिजनक है। आजम खान माफी मांगे।